7 जुलाई रविवार से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है। ये रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि पर इसका समापन किया जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडिचा माता के मंदिर जाते हैं। इस पवित्र रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई संग पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही दुर्लभ संयोग होगा, तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा के बारे में सब कुछ। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नगर भ्रमण करने के लिए भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग निकलेंगे, फिर गुंडिचा माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहां पर कुछ दिनों के लिए रहेंगे। इस रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ होंगे, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम शामिल होंगे। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम, बीच में बहन सुभद्रा का रथ, फिर सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होगा। इन तीनों रथ की अपनी अपनी खासियत होती है। आपको बताते चलें कि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुण ध्वज कहा जाता है। इसका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ 44 फीट 2 इंच ऊंचा होता है। इस रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आखिर में चलता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज भी कहा जाता है और उसकी पहचान लाल और हरे रंग से की जाती है। बलराम का रथ 43 फीट 3 इंच ऊंचाई का होता है और भगवान बलराम के रथ में कुल 14 पहिए होते हैं और इसकी जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसे वासुकी कहा जाता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है, जो काले नीले रंग का होता है। दोनों रथों के बीच देवी सुभद्रा का रथ चलता है, जिसकी ऊंचाई 42 फीट 3 इंच होती है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर पहुंचती है और इस स्थान पर भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। जिस रस्सी से देवी सुभद्रा का रथ खींचा जाता है उसको स्वर्णा चूड़ा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडिचा नगर तक जाता है, वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट पोट कर जाता है, वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।